Assalamu alaikum students, how are you doing? Hope you're all doing well. My name is Tanveer Ali and you are watching Tanveer Ali channel. Students, 9, 10 और intermediate के board के paper आ रहे हैं, तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर paper presentation के बारे में कुछ बताएं. तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है. तो स्टार्ट करते हैं. देखें ज़रा, आपके पास जब आप बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड में आप बैठे हुए हैं, पेपर दे रहे हैं, आपका कोई भी इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, ये उसके बारे में है. नेक्स्ट जो है, मैं उर्दू वाले यानी जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बताऊँगा. अब देखें ज़रा, इसमें जो है सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये आपका पेज है. अब सपोज़ कर लें कि ये आपका एक बोर्ड का पेज है, तो इसमें सबसे पहले आप जो हेडिंग देंगे वो होगी सब्जेक्टिव. टाइप्स आप में लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं. सब्जेक्टिव में आप एस थोड़ा बड़ा करके लिख लें. आप किसी भी शेप, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है एस के तो आप कोई भी बना सकते हैं, वो आप एस लिख लें, बाकी आप साथ में सब्जेक्टिव लिख लें. लेकिन आपने इस बात का ज़हन में रखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि ये सारे आप कैपिटल में ही लिखें, तो वो ज़रा अच्छा लगता है. अब सर हमारी राइटिंग ठीक नहीं है, तो ये तो बहुत मसला है. अब राइटिंग की बात नहीं हो रही, आप अगर एक चीज़ को जेहन में रखोगे ना कि हमारी राइटिंग ठीक नहीं है, तो पेपर भी आपका ठीक नहीं होगा. ठीक है, राइटिंग को छोड़ दो, आपने करना क्या है, पेपर को प्रेजेंट करना है खूबसूरती के साथ. अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी एक लाइन में होनी चाहिए. आपका एंड और आपका स्टार्ट दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब आपकी राइटिंग थोड़ी बेहतर लगेगी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. अब जो बोर्ड में जो मोस्टली होता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है, वो होता है क्वेश्चन नंबर 2. तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, देन शॉर्ट आंसर्स. आप देख सकते हैं कि ये सारा क्या है, एक सीक्वेंस में है. तो आप एक सीक्वेंस में इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा. देन उसके बाद शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग देंगे. शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखना आपने, शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग देनी है. उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है आपने उसका नंबर लिखना है और देन उसकी हेडिंग देनी है. पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मत लिखिएगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा. क्यों सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बेटा कि जब आप पेपर में आप पूरा क्वेश्चन लिख देते हो ना, तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होता है. और पेपर में क्वेश्चन के नंबर नहीं होते, आंसर के नंबर होते हैं. हमने आंसर पर टाइम लगाना है, क्वेश्चन लिखने पर टाइम नहीं लगाना. लेकिन इस बात का आपने जहन में इस बात का ख्याल रखना है कि जो नंबर पेपर में हो आपने वही इधर देना है, और देन उसकी हेडिंग और देन उसका आंसर. आंसर अगर आपने एग्जैक्ट बुक वाली वर्डिंग लिखी है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा, तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं. इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ही यही होता है, एज इट इज़. नाउ इज दैट क्लियर और नॉट? अब उसके बाद आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, एंडिंग लाइन लगाएं, और फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको आता है, लेट्स सपोज 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, जो भी आता है, आप उसकी उसका नंबर लिखें, उसकी हेडिंग लिखें, देन उसका आंसर लिखें. पूरा क्वेश्चन मत लिखें. देन आपने आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं. वो क्या है कि आपने जो मार्कर है वो इस्तेमाल करना है 604 या 605 का. 604 जो है बेसिकली ये कट टिप मार्कर होते हैं दोनों, ये हमारे पास 604 लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो 605 है ये अंडरलाइनिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है. इसको सेंटर से कट कर लिया जाता है. देन उसके बाद जो आपने कटिंग से अवॉइड करना है, कटिंग अगर आप करते हैं तो उसका एक बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है चेकर पर. तो वो क्या करता है कि आपके जाहिर बात है 0.5 नंबर वो काट लेगा, तो कटिंग से अवॉइड करना है. कटिंग आपने कोशिश करनी है कि आप मत कीजिएगा सर. उसके बाद जो आपने अगला काम जेहन में रखना है, रिमूवर का इस्तेमाल हरगिज़ मत कीजिएगा. तो रिमूवर वैसे बोर्ड में अलाउ भी नहीं होता. अगर आप रिमूवर लेकर चले जाते हैं वहाँ पर, यूज़ कर लेते हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि जो वो पेपर क्वालिटी होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती. तो उसका नुकसान ये होता है कि वो पेपर जो आपका चेक होता है ना, वो कुछ दिनों बाद चेक होता है, यानी हफ्ते, दो हफ्तों बाद, पाँच दफ़ा, एक माह से भी ज़्यादा टाइम हो जाता है. तो इतने टाइम में जहाँ पर आपने रिमूवर इस्तेमाल किया होता है ना, तो वहाँ पर एक डॉट सा बन जाता है, सर्कल सा बन जाता है, तो वो आपका पेपर ख़राब हो सकता है. बहुत बुरा लगता है फिर इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर हम रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं तो वो पेपर वहाँ पर एक सर्कल सा बना हो, तो वो बहुत बुरा लगता है. अब जब आपने कटिंग कर दिया पेपर में, तो जो जब चेकर के पास पेपर जाएगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जो कटिंग हुई है उसको सर्कल कर देगा, या जहाँ पर रिमूवर इस्तेमाल किया हुआ है वहाँ पर सर्कल कर देगा, और एक सर्कल के 0.5 नंबर आपके काट लेगा. तो इस चीज़ से आपने परहेज़ करना है. नेक्स्ट है, अगर आपके पेपर में कोई डायग्राम है, डायग्राम बनाएं, सब हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे. सब हेडिंग से मुराद ये है कि आपकी
मेन हेडिंग सब हेडिंग आप साइड पे देंगे, ठीक है। देन उसका कोई यूनिट है या फिर उसकी कोई क्वांटिटी है या सिंबल है, डायग्राम है, वो आप बनाएंगे मार्कर के साथ और खूबसूरत से करके पेपर करेंगे। पेपर प्रेजेंटेशन पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ये एक प्लस पॉइंट होता है। ये जो जब जाहिरी बात है बेटा कि जो दिखता है वही बिकता है, तो पेपर चेकर जो होता है उसको नहीं पता होता बच्चा पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला या बच्चा कैसा है, उसको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो सिर्फ आपका आपका पेपर जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वही आपकी अक्कासी कर रहा होता है। तो आपको आपने पेपर को इतना खूबसूरत करके आना है कि वो जो है चेकर जो है वो नंबर देने पर मजबूर हो जाए। तो पेपर प्रेजेंटेशन एक ऐसा पॉइंट है जो हमें नंबर पूरे नंबर दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।